खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में मौसमी सरमा की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश का आगाज हो गया जो आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में पापुसर टॉप, भट्टा कुंडी, झील सैफुल मलूक, मालम जब्बा, कलाम में शदीद बर्फबारी हुई जिसके बाद दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे आ गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों तक वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। बर्फबारी के 22 पहाड़ों और खुले मकामात ने सफेद चादर ओढ़ ली है जबकि मकामी अफराद ने भी सर्दी से महफूज रहने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा पिशावर, सूबाई मदीन, बहरीन में भी तेज़ बारिश और झालाबारी हुई जिसके 22 नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए और खड़ी फसलों समेत बागात को नुकसान पहुँचा। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये नया सिलसिला जुमे तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय पाक वतन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं।